तो भाई आपने पीछे की क्लिप्स हमारी देखी ली होगी कि आज हम काली जी पे वर्क करने वाले हैं। तो भाई आज हम काली जी पर ही वर्क करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में हमारी देख ही लिया होगा। तो भाई अब बारी आती है, आज हम करने वाले हैं जो आज हम बनाएंगे काली जी के हाथ, आज उनके हम हाथ बनाएंगे। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर मेरी वीडियोस रोज़ देखते हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई हाथ पूरे हो चुके हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो ये सारे हाथ पूरे हो चुके हैं। तो भाई अब बारी आती है शंकर जी के हाथ की, तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। Just wish he knew. Thank you.
तो भाई अभी एक अंकल ने मस्त चीज करी है, जैसा कि आप वो बाहर शेर देख रहे थे ना, जो पहले रखे थे, जो बाहर की साइड से रखे थे और जो अंदर की साइड छोटे वाले से रखे थे, उसको बाहर रख दिया है और धूप में रख दिया। तो आप देखो भाई कैसे लग रहा है, जैसे शेर के बच्चे रखे हो, एक ऐसे लग रहा है शेर के बच्चे रखे हो। मैं एक बार आपको सामने से दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो आप, ये है शेर और ये इसके नीचे तीन बच्चे, ये दो शेर हैं और इसके ये तीन बच्चे हैं। आप देखो गाइस, ये भाई कितने मस्त लग रहे हैं, ये दो और इसके तीन बच्चे पूरे पूरे। तो भाई अब बारी आती है हमारे राक्षस की बनाने की। तो भाई एक मूर्ति है जिसमें राक्षस हमारा छोटा लग गया है, उसका चेहरा बिल्कुल छोटा लग गया है। तो भाई उसके लिए उन लोग ने बोला कि भाई हमारे राक्षस को बड़ा चेहरा करके दो। तो भाई अब हम लोग बड़ा चेहरा बनाने वाले हैं। तो भाई चलो वीडियो को, अब राक्षस की वीडियो हम लगाते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा जो राक्षस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग ने अभी उसको बाहर सूखने के लिए रख दिया है। तो भाई अभी वो बाहर धूप में सूख रहा है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो भाई हम बाहर जाते हुए, तो भाई ये रहा वो राक्षस जो आप सामने देख रहे हो, मैं यहाँ से आपको एक बार दिखा देता हूँ। भाई जो उसकी नाक है ना, इस पर हम लोगों ने, एक सेकंड, हम लोग ने इसके नाक पे ये आप जो देख रहे हो ना किले, ये हम लोग ने ऊपर लगा दिए, जिससे कि नाक पर थोड़ा सूखापन आ जाए, नाक पर थोड़ा सूख जाएगा ये भी थोड़ी देर में, इस वजह। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि हमारा राक्षस वहाँ पर सूख रहा है धूप में, और वो जैसे ही थोड़ा सूख जाएगा तो हम उसको अपने राक्षस के जो दूसरा वाला छोटा सर है उसको हटा देंगे, और फिर हम उस पर लगाएंगे जो जो हमने नया सिर बनाया है उसके लिए। तो भाई अभी वो सूख रहा है, और फिर हम लोग उस छोटे वाले को हटाएंगे, फिर हम लोग जे वाला लगाएंगे जो अभी बनाया है। और वीडियो अब हम एंड कर रहे हैं। तो भाई आपकी वीडियो कैसी लगी, मतलब आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अब यहाँ पर कलर चालू होने वाला है थोड़े दिनों बाद, तो हम कलर स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम बाद। और देख सकते हो यहाँ की बाकी की मूर्तियाँ हैं, तो वो भी अभी कलर होना बाकी है। यहाँ पर सबके पैर लग चुके हैं, पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब सूखने का टाइम है। और भाई जल्द से जल्द यहाँ पर पेंट स्टार्ट होने वाला है, तो हम पेंट भी स्टार्ट करेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और भाई लाइक कर देना वीडियो को, और कॉमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ओके बाय।